सो अब फंगी के बारे में पढ़ते हैं. फंगी कॉन्स्टिट्यूट द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ थैलोफाइटा. फंगी थैलोफाइटा के अंदर आता है और सबसे ज़्यादा डाइवर्स फंगी ही है थैलोफाइटा के अंदर. दे डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल. इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है. देयरफॉर दे कैन नॉट मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड. इसीलिए वो अपना फूड नहीं बना पाते क्योंकि क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता. क्लोरोफिल नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे. इस कारण से इसीलिए हेंस एक्ट एज पैरासाइट और सेप्रोफाइट फॉर गेटिंग देयर नरिशमेंट. इसीलिए वो पैरासाइट और सेप्रोफाइट की तरह होते हैं नरिशमेंट के लिए, ताकि उन्हें खाना मिल सके, नरिशमेंट हो सके उनका. पैरासाइट वो होते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को अपना होस्ट बनाते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना फूड लेते हैं. एंड सेप्रोफाइट आर दोज जो डेड ऑर्गेनिज्म से अपना फूड लेते हैं. पैरासाइट जैसे कि लाइस, जू हो गई, और सेप्रोफाइट जैसे कि डंक से अपना फूड लेते हैं. नाउ दे आर यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ये मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं, यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, यानी कि एक सेल हो सकता है या मल्टीसेलुलर, बहुत सारे सेल हो सकते हैं फॉर परफॉर्मिंग वाइटल प्रोसेसेस लाइक रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सिक्रीशन, एक्सक्रीशन. ये सारे हमारे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, ये वाइटल फंक्शंस होते हैं. दे हैव रिजिड सेल वॉल. इनकी रिजिड सेल वॉल होती है. जो सेल वॉल होती है बहुत ज़्यादा रिजिड होती है. रिजिड मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड होती है. कंटेनिंग पॉलीसेक्राइड. एंड फंगी की जो सेल वॉल होती है वो पॉलीसेक्राइड से बनी होती है. द साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन ऑफ फंगी कंटेन स्टीरॉल. जो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन होता है यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो स्टीरॉल के प्रेजेंट होता है. देयर न्यूक्लियाई कंटेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. इनकी जो न्यूक्लियर होती है वो वेल डिफाइंड होती है. न्यूक्लियर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर होती है. एंड पेयर्ड क्रोमोसोम. न्यूक्लियाई के अंदर क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं पेयरिंग के, पेयर्ड में. दे रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, एसेक्सुअल और बाय बोथ मैकेनिज्म. ये इनका रिप्रोडक्शन है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. ये सेक्सुअली भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर सकते हैं, एसेक्सुअल भी, या दोनों तरीके से कर सकते हैं.